नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ आयुषी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ प्रमुख खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियां राजस्थान की 25 सीटें जीतने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। प्रदेश में सरकार बनने के बाद लोकसभा की सभी 25 सीटें जीतने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास कर रही है, तो राजस्थान कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता रहमतुल्ला खान ने। लोकसभा के चुनावी राउंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही जीत और मेहनत कर रही है। राजस्थान कांग्रेस 25 मिशन को लेकर के चल रही है, मिशन 25 को पूरा कराना चाहती है, तो भाजपा भी दोबारा से 25 सीटों पाने के लिए कड़ी मेहनत में लगी हुई है। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के थिंक टैंक कहे जाने वाले और राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे ने बात करके। अविनाश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है न्यूज इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगातार बीजेपी कह रही है मोदी का असर 2014 के चुनाव में जो बीजेपी जीती बता रहे मोदी का असर, इस बार क्या लग रहा है सर आप? देखिए, बीजेपी के पास में बोलने के लिए या सफलता या उपलब्धि के लिए कुछ भी नहीं है, और आज वो ये सोच रहे हैं कि सिर्फ मोदी मोदी और मोदी कर वो फिर से देश की जनता को बुलावे में या बहकाने में सफल हो जाएंगे। आज देश में एक लहर चली हुई है, लोग आज मोदी जी को सुनना या उनके झूठे भाषणों को सुनना पसंद नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार से राजनीतिक स्तर उनके भाषणों में या उनके जिस प्रकार से देश में पिछले दिनों उनकी सरकार असफल रही, उसको देखकर लोगों में एक विपरीत भावना बनी हुई है। नोटबंदी से लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुए हैं, बहुत तकलीफ में छोटा व्यापारी है, देश की और बाजार के अंदर में अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है, और इसका मूल कारण है कि बिना किसी अंदाज के एक तुगलकी फरमान के माध्यम से जिस प्रकार से नोटबंदी का ऐलान किया गया, जिस प्रकार से लोगों की गाड़ी कमाई को एक मिनट के अंदर में कालाधन घोषित कर दिया गया, ऐसी स्थिति में लोग अब फिर से इस प्रकार के बहकावे में ना ही आते हुए अब वो मौका देख रहे हैं कि 2019 के इस लोकसभा चुनाव में वो बदलाव चाहते हैं। बदलाव देश की सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए, बदलाव किसान चाहते हैं ताकि उनको फिर से बेहतर दाम और बेहतर योजनाएं मिलें, हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं उनके लिए जो न्याय योजना माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणा की है, ये बहुत ही सोच समझ के और देश विदेश के बहुत ही चुनिंदा अर्थशास्त्रियों की मदद से इस योजना का आंकलन किया गया है, इस योजना को बनाया गया है, और ये योजना हमारे देश के उस 25 करोड़ गरीबों को उसमें से उनकी गरीबी से निवारण देगा, और ये जो पैसा उनको दिया जाएगा ये फिर से मार्केट की इकोनॉमी में अर्थव्यवस्था में आएगा ताकि यहाँ फिर नए रोजगार उत्पन्न होंगे और लोगों को नए रोजगार के साथ साथ अर्थव्यवस्था हमारी सुदृढ़ होगी। बीजेपी कह रही है महागठबंधन के पास पीएम का चेहरा नहीं है और बीजेपी के पास मोदी चेहरा है। ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर का चेहरा सिर्फ आगे करने से बात नहीं बनती है। माननीय राहुल गांधी जी एक बहुत ही मजबूत और प्रबल ऐसे नेता हमारे पास में हैं जिनको अन्य सभी दलों की सहमति भी है, और रही बात प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो एक बार बहुमत में आने के बाद में सभी अन्य हमारी सहयोगी पार्टियों से चर्चा करके और सबकी सहमति से प्रधानमंत्री का चेहरा मंजूर किया जाएगा। मोदी जी प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन मोदी जी के अलावा है क्या? क्या उनकी कोई उपलब्धियां हैं? पिछले 2014 में जो वादे उन्होंने देश की जनता के साथ किए थे, उन वादों का क्या हुआ? जो उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष देश के युवाओं को देने का वादा किया था, उसके मान से 5 साल में 10 करोड़ नौकरियां उनको देनी थी। आज अगर आप देखें तो आज 4 करोड़ से भी ज़्यादा युवा बेरोजगार पिछले 5 सालों में हो गया, जिनकी नौकरी लगी थी वो नौकरियां भी कम हो गई। कारण है गलत निर्णय, गलत तरीके से GST की घोषणा करना, गलत तरीके से नोटबंदी की घोषणा की। नोटबंदी के माध्यम से उन्होंने कहा था कि काला धन हम लेकर आएंगे, आज तक एक शब्दों से भी काला धन कितना आया उसका उल्लेख नहीं किया गया। 2 साल तक के कितना नोटबंदी में पैसे वापस आए उसके बारे में भी RBI इसकी घोषणा नहीं कर पाई, ये कह के कि अभी हम उसका कैलकुलेशन कर रहे हैं, अभी उसके हम जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो इस प्रकार की योजनाओं को अगर आप देखें तो इससे लोग वाकई में त्रस्त हो गए हैं, और लोग अब ये चाहते हैं कि ये देश हमारा जो एक जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा था, वास्तविकता में जब पूरे दुनिया में रिसेशन था,
पूरे दुनिया में जब लोगों की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही थी उस समय में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने भारत को ऐसे स्तर पर ले आया था कि भारत की अर्थव्यवस्था उस पर कम से कम खराब असर पड़ा और हमने उससे भी पार सफलतापूर्वक हम पार हुए। देश के अंदर में जो लिबरलाइजेशन था उसको मनमोहन सिंह जी ने लोगों के बीच में इंट्रोड्यूस किया। तो अगर आप देखें तो कांग्रेस ने हमेशा देश को जोड़ने के लिए, देश के गरीब तबकों को मदद करने के लिए, देश के किसानों के लिए, पूरे देश के हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके विकास के लिए एक दूरदृष्टि रख कर काम किया है और उसी के चलते आज देश हमारा एक महाशक्ति के रूप में उभर कर आया हुआ है। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से हमारी बेरोजगारी जो कि अभी तक के 43 साल के में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी हमारे पिछले 4 सालों में देश में आई है, युवा आज इस समझ में परेशान है कि वो पढ़ लिखने के बाद में क्या नौकरी कर सकेगा, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, दुकानें बंद हो गई, छोटे व्यापारियों के जो कारोबार चल रहा था उसमें जो स्वयं रोजगार थे या छोटे व्यापारी भी थे जो छोटी मोटी 2, 5, 10 लोगों को नौकरी दिया करते थे, आज उनका धंधा भी मंदा पड़ा हुआ है। तो कुल मिला के पूरे देश में एक रिसेशन, एक बड़ा नकारात्मक माहौल बना हुआ है। यही चीज़ अगर आप देख लें तो देश के अंदर में एक प्रकार से कह सकते हैं कि लोग आज अनकहा अघोषित आपातकाल की स्थिति से गुजर रहे हैं और हमारा सबसे बड़ा हमारा संविधान, हमारी स्वतंत्रता, वह संविधान जिसके आधार पर हर व्यक्ति को अपना मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, खाने पीने की स्वतंत्रता है, पहनने ओढ़ने की स्वतंत्रता है, इन सभी स्वतंत्रताओं पे जिस प्रकार से पाबंदी लगाई गई या आगे आने वाले समय में लगाई जाने वाली है, इससे लोग भयभीत हैं। और अभी ये चुनाव, लोकसभा का चुनाव, ये मात्र एक साधारण चुनाव नहीं है, ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। वो लोग जो वाकई में संविधान को बचाना चाहते हैं, जिस संविधान के आधार पर पूरे देश की के नियम और कानून बनाए जाते हैं, ये वो लोग जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, CBI हो, ED हो, हमारा इलेक्शन कमीशन हो, आज जिस प्रकार से हर व्यक्ति उसकी उसमें आए हुए स्तर की गिरावट को महसूस कर रहा है, जिस प्रकार से सरकारी दखलंदाजी इन संस्थानों में की जा रही है, उससे लोगों की विश्वसनीयता इन संस्थानों के प्रति कम हो रही है, जो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। और इसको अगर हमें बचाना है तो निश्चित रूप से हमारे संविधान को बचाने के लिए, लोगों की स्वतंत्रता को कायम रखने के लिए और देश के विकास के लिए आवश्यक है कांग्रेस का फिर से सत्ता में आसीन होना, कांग्रेस का फिर से आकर उनकी जो योजनाएं हमारी जो घोषणा पत्र में की गई हैं उस आधार पर देश को एक नए सिरे से तेजी से आगे बढ़ाने की। राजस्थान में किसानों का कर्जा माफ किया सरकार ने, उस पर भी आरोप लगा रही BJP। देखिए यहाँ पर पहले भी BJP की बहुमत ही नहीं, ऐतिहासिक बहुमत वाली सरकार राजस्थान में थी। अगर सरकार चाहती तो वो भी किसानों का कर्जा माफ कर सकती थी। माननीय राहुल गांधी जी ने अपने राजस्थान के किसानों से, राजस्थान की जनता से वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, और 10 दिन का इंतजार न करते हुए मात्र 2 दिन में माननीय अशोक गहलोत जी ने किसानों के कर्जे की माफ़ी की घोषणा की, और साथ ही साथ हर जिला स्तर पर, हर ग्राम पंचायत में शिविरों का आयोजन किया गया जहां पर किसान जाकर अपना वहां पर पंजीकरण कर सकें। मुझे खुशी है कि 15 लाख किसान उसमें पंजीकृत हो चुके हैं और इन किसानों को इन लोगों को सर्टिफिकेट भी नोडी का मिल गया है। अब किन किसानों के बारे में वो बात कर रहे हैं इसके बारे में अगर वो खुलकर सामने बतलाएं, क्योंकि किसानों से पूछा जाए जिनको और जिन लोगों को अभी जिनका प्रक्रिया में है, ये क्योंकि चुनाव का कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है तो उस प्रक्रिया में थोड़ा धीमी हुई है, लेकिन चुनाव के बाद 23 मई के बाद में जिन जिन का और बकाया केस बाकी हैं उनके ऊपर भी तेज़ी से सरकार काम करेगी, क्योंकि ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को हम पूरा करेंगे। न्याय योजना का कितना असर रहेगा? न्याय योजना ये गेम चेंजर है। माननीय राहुल गांधी जी वाकई में देश की गरीबी को लेकर और पिछले दिनों देश की गरीब जनता को जिस प्रकार से 15 लाख का
लालच देकर और उनको लुभाने की और बहकाने की कोशिश की गई, उनके मन में इस चीज़ का एक बहुत बड़ा दुख उनके मन में था। और उन्होंने इन सभी अर्थशास्त्रियों को, जो थिंक टैंक हैं हमारे जो अर्थशास्त्री हैं, उनको सबको के साथ बैठकर चर्चा करके बड़ी गंभीरता के साथ से उन्होंने कहा कि हम जो कर सकते हैं उतना वादा मैं देश के गरीब जनता से करना चाहता हूँ। और इसके ऊपर में 6 से 8 महीनों तक मंथन चला और मुझे खुशी है कि ये दुनिया का सबसे पहला और सबसे बड़ा गरीब को हटाने का एक बहुत बड़ी योजना, जो कि कामयाबी के साथ हम पूरा करेंगे। और ये आज देश का गेम चेंजर है, देश की अर्थव्यवस्था का गेम चेंजर है, जो नोटबंदी के माध्यम से माननीय मोदी जी ने गरीब जनता की जेब से जो पैसा निकाला है और उस पैसे को लेकर जिस प्रकार से हमारे बड़े बड़े उद्योगपति जो देश छोड़कर पैसे लेकर भाग गए हैं, उनसे पैसा वापस लेकर उनके इसी प्रकार के बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनसे पैसा लेकर और गरीबों में इसका वितरण किया जाएगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। राहुल गांधी कहते हैं कि 15 लाख तो बीजेपी नहीं दिए, मोदी ने नहीं दिए, लेकिन 72,000 देंगे, जो मोदी ने खाते खुलवाए उन्हीं में जमा होंगी। ये उन्हें व्यवहारिक बात कही कि मोदी जी ने लोगों से खाते तो खुलवाए और उसमें उनके पास जो बचे हुए पैसे थे वो भी उसमें डलवा दिए ताकि उन पैसों को इकट्ठा करके वो बड़े उद्योगपतियों को दे सकें। राहुल जी का स्पष्ट मत है कि जिस प्रकार से गरीबों को आपने छला है, जिस प्रकार से गरीबों को आपने ठगा है, जिस प्रकार से गरीब आज मायूस महसूस कर रहे हैं, उनके ही खातों में ये 72,000 प्रतिवर्ष और 5 वर्ष में 3,60,000 उनके घर की जो महिला सदस्य है उसके खाते में ये जमा किया जाएगा। ये कांग्रेस का वादा है और जिसको हम पूरा करेंगे। राजस्थान में आपके प्रभार लेने के बाद में अजमेर, अलवर, मंडलगढ़ सीट जीती, उपचुनाव जीते, उसके बाद विधानसभा में भी आपने सफलता हासिल की, सरकार बनाई, अभी इस बार 25 सीटों को लेकर के राहुल जी को आप पर उम्मीद है? निश्चित रूप से ये हमारा संकल्प है कि राजस्थान में हम 25 में से 25 लोकसभा सीटों पर विजय हासिल करें। और मुझे खुशी है कि हमारा पूरा संगठन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, अशोक गहलोत जी, हमारे पूरी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य बहुत ही तत्परता और बहुत ईमानदारी के साथ इस चुनाव में मेहनत कर रहे हैं। और जिस प्रकार से संगठन में एकता है, जिस प्रकार से इच्छा शक्ति मजबूत है, जिस प्रकार से उनका मनोबल मजबूती के साथ में काम कर रहे हैं, और बहुत अच्छे उम्मीदवार हमने राजस्थान की जनता को दिए हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि राजस्थान की जनता फिर एक बार कांग्रेस पर विश्वास रखते हुए, माननीय राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, सचिन पायलट जी के नेतृत्व पर विश्वास रखते हुए फिर एक बार हमको बहुमत दिलाएगी और यहाँ पर 25 में से 25 सीटों पर हमें विजय का आशीर्वाद देगी। आप लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए, राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता काफ़ी उत्साहित और मजबूत लग रहे हैं। निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस राजस्थान में कार्यकर्ता बहुत ही ईमानदार और समर्पित है पार्टी के लिए। और यहाँ पर पिछले 5 सालों में जिस प्रकार का संघर्ष राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने किया है वो प्रशंसनीय है। उनकी कड़ी मेहनत और पिछली सरकार के गलत निर्णयों के खिलाफ जनता की आवाज़ को सड़कों पर उठाना, उसके लिए वाकई में आपको एक कमिटमेंट लगता है, आपको समर्पण लगता है, आपको आपके मन में त्याग की भावना होनी चाहिए, जो राजस्थान के कार्यकर्ताओं ने बखूबी निभाया, जिस पर हमें गर्व है। और मुझे विश्वास है कि इस लोकसभा चुनाव में भी कार्यकर्ता बिना किसी साधन सामग्री के रास्ता देखे बिना आज देश में जो बदलाव का माहौल है उस माहौल को सही रूप में अमल करने के लिए कांग्रेस की विजय के लिए तत्पर है। गांव-गांव ढानी-ढानी वो घूम रहा है और 29 तारीख को पहला फेज़ है, 6 तारीख को दूसरा फेज़ है। इन 25 सीटों पर जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ में कार्यकर्ता और लोगों का आशीर्वाद हमारे हर जनसभाओं में, हर घोषणाओं के बाद में मिल रहा है, ये निश्चित रूप से इस चीज़ को दर्शाता है कि राजस्थान में 25 में से 25 लोकसभा हम जीतेंगे। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी अविनाश पांडे। इनका यही कहना है कि 5 साल तक नरेंद्र मोदी ने जनता को गुमराह किया, लेकिन इस बार राजस्थान की 25 सीटें ही नहीं पूरी देश कांग्रेस जीतेगी और सशक्त मजबूत सरकार बनाएगी, यही निगाह दवा है। कैमरा पर्सन रवि शर्मा के साथ रहमतुल्ला खान, न्यूज इंडिया, जयपुर। धौलपुर के श्री
कोतवाली थाना इलाके के मुराली रोड पर अस्थायी चौकी के पास बजरी माफिया और पुलिस के बीच फायरिंग हो गई, जिसमें क्यूआरटी की एक जवान को गोली लगने से घायल हो गया, तो जिसके बाद जवान को जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि बजरी खनन को लेकर आए दिन धौलपुर में पुलिस और बजरी माफियाओं में मुठभेड़ की घटनाएं सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस बजरी माफियाओं के खिलाफ धरपकड़ अभियान जारी कर रही है। फायर किया, इसके शोल्डर में गोली लगी है, राइट शोल्डर में। अभी ऑपरेशन इसका करा दिया गया है, अभी स्थिति खतरे के बाहर है, बाकी सब कानूनी कार्रवाई है। सर बजरी माफी अब अभी? हाँ बजरी माफी पकड़ लिए सर? नहीं अभी प्रयास चल रहा है, हमारी टीमें गई हुई है पकड़ने के लिए, जल्दी पकड़ना चाहिए। सर बजरी माफियाओं का हौसला लगातार बढ़ता जा रहा है, कार्रवाई और आगे रहेगी? बिल्कुल कार्रवाई जारी रहेगी, बहुत एग्रेसिवली कार्रवाई जारी रहेगी, बिल्कुल लगातार हम कर भी रहे हैं। पिछले चार महीने में हमने स्पेशल चौकियां भी लगाई हैं बजरी माफियाओं को रोकने के लिए, और रेगुलर धरपकड़ का अभियान हमारा चल रहा है। ये हमने स्पेशल गश्त शुरू की थी। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर स्वीप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां लोकसभा आम चुनाव में शत प्रतिशत मतदान करवाने को लेकर निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम कर सतरंगी सप्ताह मनाया गया। इसके तहत उप निर्वाचन अधिकारी रीना छिंपा के निर्देशन में जन स्वास्थ्य अभियांत्री विभाग कार्यालय में दीपदान कार्यक्रम किया गया। इस अवसर पर पंचायत समिति विकास अधिकारी राम प्रताप गोदारा के नेतृत्व में महिला एवं बाल विकास अधिकारी परियोजना की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं समेत अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों ने भाग लिया। श्रीकरणपुर के वाटर वर्क्स फिनिश करे हैं, जहां पर लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं में जिस प्रकार से मत के लिए प्रेरित किया जा रहा है, आज हम वीडियो साथियों ये जानकारी लेंगे कि जो आज स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अभी भारत निर्वाचन आयोग के तहत लोकसभा आम मतदान 6 मई को होने जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक जो 18 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं सभी मतदाताओं को मतदान बूथ तक लाने के लिए हम सतरंगी सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसमें से आज मुख्य कार्यक्रम दीपदान का है, जिसमें हमें सभी पंचायतों में तथा अपने करणपुर मुख्यालय पर श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के आदेश से तथा निर्वाचन मुख्यालय एसटी महोदय के आदेश से आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी महिलाओं ने भाग लिया है तथा अपने दीपदान कर अधिक से अधिक मतदाताओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। सर आगामी जो प्रोग्राम वो क्या रहेंगे सतरंगी कार्यक्रम उसके अंदर? सतरंगी सप्ताह के अलावा हमारे मैराथन दौड़ का है, इसके अलावा ट्राई साइकिल का प्रोग्राम भी है, और इसके अलावा हमें जो और भाषण प्रतियोगिताएँ हैं और अन्य प्रोग्राम पूरे अलग अलग थीम के अलग अलग सप्ताह के लिए चलाए जाएंगे पूरे वर्ष जी के लिए। जिस प्रकार से वीडियो साहब ने बताया है कि सतरंगी सप्ताह के अंदर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सप्ताह के अंदर पूरे सप्ताह के अंदर ये कार्यक्रम चलेगा। न्यूज़ इंडिया के लिए दर्शन श्री करणपुर से कैमरामैन भीम सिंह के साथ। भारतीय निर्वाचन आयोग एक नियमावली है, जिसके राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों को चुनाव के समय अनुपालन करना अति आवश्यक है। इसी सिलसिले में हमारे न्यूज इंडिया संवाददाता सुरेश सिंह राणा ने यूपी के राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी 70 लाख से ज्यादा लोकसभा चुनाव में खर्चा नहीं कर सकता, तो वहीं चुनाव में लाउड स्पीकर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक का ही परमिशन मिलती है। वहीं हर प्रत्याशी को धारा 144 को ध्यान में रखकर प्रचार करे और सिर्फ 10 वाहन का ही प्रयोग करे। निर्वाचन आयोग की आदर्श चुनाव आचार संहिता जो कि राजनीतिक दल एवं प्रत्याशियों के लिए एक नियमावली है, जिसका चुनाव के समय अनुपालन करना अति आवश्यक है। इसी सिलसिले में हम बात करना चाहेंगे यूपी की राजधानी लखनऊ के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से। सर पहले तो आपका न्यूज इंडिया में स्वागत है। सर प्रत्याशियों को किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रचार प्रसार करें जिनसे जनता को कोई क्षति न पहुंचे और नियम का उल्लंघन भी न हो? प्रत्याशियों को, राजनीतिक दलों को, सबको बैठक लेकर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है उसके सारे प्रावधान स्पष्ट किए गए हैं। जब राजनीतिक दल थे तो उनको और कैंडिडेट बनने के बाद जो नॉमिनेशन प्रोसेस खत्म हुआ उसके बाद कैंडिडेट्स को भी बताया गया कि इसमें अनुमति के लिए सिंगल विंडो सिस्टम हमने क्रिएट किया है डिस्ट्रिक्ट में, जो भी कार्यक्रम करें उसकी अनुमति लें। एक धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी हुआ है उसको भी ढंग से पढ़ लें। इसके अलावा वाहनों के लिए हम लोग वाहनों की अनुमति देते हैं। पूरा खर्च जो उसको करना है वो 70 लाख की उसकी लिमिट है पर कैंडिडेट, उसके अंतर्गत वो चाहे खर्च कर सकता है।
अब सिर्फ ये है कि लाउड स्पीकर का यूज जैसे सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक होगा, कहीं भी 5 से ज्यादा लोग अगर वो इकट्ठा करना चाहते हैं तो उसकी परमिशन होगी, वाहनों की परमिशन होती है तो 10-10 वाहन से ज्यादा एक एक काफिले में नहीं चलाएंगे। इसके अलावा झंडे बैनर इनके साइजेस इनकी रेट्स वो बता दिए गए हैं। हेलीकॉप्टर की परमिशन लेनी है तो उसकी परमिशन कम से कम 24 घंटे एडवांस में लेनी पड़ेगी। इस तरह की सारी चीजें आचार संहिता जो जुड़ी हुई हैं वो सारी उनको बताई जा चुकी है और लगभग सभी कैंडिडेट उसका पालन भी कर रहे हैं। सर पांचवें चरण का 6 मई को राजधानी लखनऊ मोहल्ला में चुनाव होना है, सर कितने बूथ हाईटेक इंतजाम किए गए हैं? हम लोगों के टोटल 3589 बूथ हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में जो दोनों लोकसभाओं में हैं, और हम लोगों की कोशिश है कि इसमें से कम से कम 800-900 बूथ ऐसे हों जो मॉडल बूथ होंगे। सर इन बूथों के इंतजाम के हिसाब से सीनियर सिटीजन दिव्यांगों के लिए क्या इंतजाम किए गए? दिव्यांगों के लिए पूरी पूरी तरह लाइन में लगने की छूट है, उनके लिए रैंप्स की व्यवस्था कराई गई है, उनके लिए दो दो मतदान मित्र हर सेंटर पर व्यवस्था कराई गई है, अधिकतर शहर के सेंटर्स पे व्हीलचेयर की व्यवस्था कराई गई है, हर थाने पे एक एक एम्बुलेंस प्रोवाइड की गई है, और इसके अलावा हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि दिव्यांगों को घर से लाने के लिए और वापस छोड़ने के लिए ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा का भी इंतजाम हो। इसी तरह बुजुर्ग लोग होंगे उनको भी लाइन में लगने की आवश्यकता न होगी, वो भी अपने साधन से आ सकेंगे और बिना लाइन में लगे वोटिंग कर सकेंगे। जैसा कि आपने देखा है जिलाधिकारी साफ तौर से कहना है कि 6 मई को जो चुनाव होना है उससे मतदाताओं को न कोई नुकसान होगा न ही कोई दिक्कत होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि कौशल लाल शर्मा के राज्य में सब कुशल मंगल होगा। कैमरा पर्सन शुभम के साथ सुरेश सिंह राणा, न्यूज इंडिया लखनऊ। जालौर में लोकसभा चुनाव को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके तहत रविवार को वीरमदेव महाविद्यालय से जिले की 5 विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त किए गए सभी मतदान दलों को 2 चरणों में अंतिम प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इसके बाद सभी मतदान दल अपने अपने क्षेत्र के लिए रवाना होंगे। राजस्थान के अलवर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी का प्रचार जोरों पर है, जहां देर शाम होने वाली नुक्कड़ सभाओं और जनसंपर्क अभियान में उनके भाषण सुनने के लिए लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महंत बालकनाथ अपनी सभाओं में विकास और राष्ट्रवाद की बातें करते नजर आ रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के आम मतदाता भाई बहनों ने इस बार तय कर लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाना है, और श्रद्धेय महंत बालकनाथ जी अलवर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं अपितु हमारे लोकसभा में अलवर शहर के अलावा 7 विधानसभा हैं। मेरा ये मानना है कि 8 विधानसभा क्षेत्र से रिकॉर्ड मतों से जीत करके अलवर के साथ साथ अलवर लोकसभा के प्रतिनिधि के रूप में देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुँचने जा रहा है। जोधपुर में लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने तमाम व्यवस्थाएं पूरी कर ली है। इसके लिए मतदान केंद्र के लिए पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा, साथ ही मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर मतदान दल देखिए आप तैयार हैं, जिस तरह से जिला निर्वाचन आयोग ने तमाम तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के करीब 22 लाख मतदाता हैं, उन मतदाताओं की मतदान केंद्र पर टीमें जो जानी हैं उसको लेकर जोधपुर शहर की बात करें तो करीब 1100 से ज़्यादा मतदान केंद्र है, उसके लिए करीब 2800 जवानों को नियुक्त तैनात किया गया है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 1400 से ज़्यादा मतदान केंद्र है, वहाँ भी करीब 3000 के लमसम जो है जवान तैनात किए गए हैं, और उसमें से करीबन 200 के आसपास जो केंद्र है ग्रामीण के अंदर जो अति संवेदनशील आते हैं, उन सब तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन आयोग ने तैयारियां संपूर्ण कर ली गई हैं, और कुछ ही देर में यहां से जो मतदान दल हैं जो रवाना हो जाएंगे, और उन सारी व्यवस्थाओं को लेकर जिला निर्वाचन आयोग के निगरानी के अंदर पूरी तमाम अधिकारी जो हैं पॉलिटेक्निकल जोधपुर पहुँच चुके हैं, और आप देख रहे हैं जिस तरह से संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है यहाँ, और सवेरे से ही जिस तरह से यहाँ से चालू हो गए थे लोग आना, कर्मचारी आना, और मतदान को लेकर जिस तरीके से ये तैयार दिख रहे हैं, कल मतदान होना है 29 अप्रैल को जिस तरह से मतदान होना है, तो आज सवेरे से ही लोगों का यहाँ कर्मचारियों का आना शुरू हो गया है, और अभी थोड़ी देर में यहाँ से मतदान दल अपने अपने बूथों के लिए अलग अलग बूथ पर रवाना हो जाएंगे, और कल सवेरे से जो मतदान है जिसकी तमाम व्यवस्था कर ली जाएगी। तो सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो गुजरात से भी आरएसी की 3 बटालियन यहाँ आई हैं, तो कहीं ना कहीं जिला निर्वाचन आयोग जो हैं लोकसभा चुनाव 2000 को देखते हुए तमाम व्यवस्थाओं को पूर्ण कर लिया गया है। अब किस तरह से शांतिपूर्ण व्यवस्था रहती है, किस तरह से मतदान होते हैं ये देखना होगा कल। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ मनोज सिंह, न्यूज़ इंडिया जोधपुर।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।